हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब, जैसा कि आप लोग को पता है, जीशान का फाइनल एग्जाम खत्म हो चुका है और कल ही मुझे पता चला है कि भाई 31 मार्च को जीशान का आने वाला है रिजल्ट। क्या बात है। तो भाई कल मैं जीशान से पूछा था कि जीशान तेरा रिजल्ट कब आएगा कब नहीं, तो जीशान भाई बता ही नहीं रहा था। तो समीर से पता चला कि भाई 31 मार्च को आने वाला है इन लोग का रिजल्ट। तो भाई साहब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ इन लोग के रिजल्ट के लिए, क्योंकि भाई जीशान से मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर इस बार तेरा रिजल्ट अगर अच्छा आया तो तुझे मिलेगा आईपैड। तो जीशान भी बोल रहा था कि अच्छा एग्जाम गया हुआ है, अब देखते हैं भाई रिजल्ट में कितना मार्क्स आएगा कितना नहीं। बहुत ज़्यादा मजा आएगा भाई, स्कूल में लेके जाएंगे और रिजल्ट आप लोग को बताएंगे भाई कितना नंबर आया कितना नहीं, मजा आएगा। सब सुन रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, यहाँ पीछे दरवाजे से सब मेरी बात सुन रहा था जीशान। क्या सुन रहा था रे? सब सुन लिया हूँ मैं। अच्छा, ये बता रिजल्ट के लिए एक्साइटेड है कि नहीं? क्यों? पता नहीं कैसा नंबर आएगा। तो अच्छा किया है ना एग्जाम में? तो अच्छा, वो पता ही नंबर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। और ये बता आईपैड लेके जाएगा कि नहीं? इस बार वादा किया था मैं कि अगर तेरा मार्क्स अच्छा आया तो आईपैड मिलेगा। रिजल्ट आने में पता चलेगा भाई, अगर मार्क्स अच्छा आएगा 70-80% आया तो जीशान को आईपैड मिल जाएगा। आएगा कि नहीं उतना, 80% आएगा कि नहीं देखते हैं अभी। हाँ भाई, ये तो श्योर ही नहीं है भाई। भाई बस आज कौन सा डेट है? 27 है। हाँ। 3 दिन और बचा है, 31 को जाना है रिजल्ट लेने। भाई मजा आएगा। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो जीशान की पिटाई होगी घर में। नहीं होगी, फाइनल एग्जाम है क्योंकि। और भाई फैसल और समीर का भी 11th था तो उन लोग का भी फाइनल एग्जाम हो चुका है, तो जीशान के साथ में उन लोग का भी रिजल्ट आएगा, तो वो लोग भी भाई साथ में अपना रिजल्ट लेने जाएंगे। तो देखते भाई क्या होगा क्या नहीं, कौन पास होगा कौन, मतलब सब पास तो हो जाएंगे बट कितना मार्क्स किसका आएगा पता चलेगा भाई 31 को। अगर मेरा अच्छा मार्क्स आया तो वही स्कूल से डायरेक्ट चलेंगे आईपैड के दुकान पे, वहीं से आईपैड लेंगे, वरना आप भूल जाओगे। अच्छा, वहीं से डायरेक्ट चलेंगे आईपैड खरीदने। डायरेक्ट। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो वहीं से पीटते हुए लेके आना। बात तो सही है। मजा आएगा भाई 21 तारीख को, मजा आएगा, देखते क्या होगा भाई। आईपैड मिलेगा कि पिटाई होगा? आप लोग को क्या लगता है भाई, जीशान का अच्छा मार्क्स आएगा या खराब? आप लोग कमेंट बताना भाई, जीशान का कैसा मार्क्स आएगा। और ये तो रही भाई रिजल्ट की बात है, और भाई साहब जैसा कि आप लोग को पता है रोजा चल रहा है, आज है 16th रोजा, मतलब 16वां रोजा, इसके बाद भाई 15 रोजा नहीं, इसके बाद शायद 17, इसके बाद नहीं, इसके बाद 14 रोजा और बचेगा भाई। 11 अप्रैल को है ईद, और ईद की शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है भाई, सब लोगों ने कुर्ता पैजामा का कपड़ा वपड़ा खरीद के भाई टेलर को दे भी दिया सिलने को, जीशान ने भी दे दिया है। हाँ जीशान, यस, कौन से कलर का लिया कुर्ता? ईद में ही पता चलेगा। ओ भाई, जीशान तो बता ही नहीं रहा है, और हम सभी लोगों ने भाई कुर्ता उर्ता दे दिया सिलने को, मजा आएगा भाई ईद सेलिब्रेट करने में। और भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम जीशान पूरे रोजा रख रहा है, मतलब एक भी रोजा जीशान ने छोड़ा नहीं है माशाल्लाह। yes. तो जीशान का भी 16वां रोजा, यानी कि जीशान पूरा 300 रोजा रहेगा। yes, है ना, चैलेंज लिया हूं मैं। चलो सही है, अच्छा है भाई, जीशान पहली बार पूरा रोजा रखेगा, अच्छा है। और हाँ भाई साहब, एक चीज तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, मेरे और तौफीक के बीच में भाई शर्त लगा हुआ था, वो बोला था कि आरसीबी अपना दूसरा मैच हार जाएगी और मैं बोल रहा था कि आरसीबी जीतेगी। भाई आरसीबी तो अपनी टीम है तो हमेशा सपोर्ट आरसीबी को ही करते हैं, तो भाई तौफीक और मेरे में शर्त लगा हुआ था और आरसीबी भाई साहब दूसरा मैच जीत गई थी और तौफीक सेठ शर्त हार गए थे, और शर्त ये लगा हुआ था कि जो भी भाई हारेगा वो पार्टी देगा। तो भाई अभी चलते हैं तौफीक सेठ के पास और भाई साहब मजे लेते हैं, क्योंकि भाई पहला मैच जब आरसीबी हारी थी ना तो भाई बहुत ज्यादा मेरा मजा लिया था, तो अभी चलते हैं तौफीक सेठ के पास का मजा लेते हैं, और भाई आज लेना है उनसे पार्टी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आईपीएल शुरू हो गया है, अपन तो भाई आरसीबी के फैन है, आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग भाई कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं आईपीएल में, फटाफट कमेंट में बताओ भाई। चलो देखते हैं कौन किसको सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखो भाई साहब, मैक्स को कैसा घोड़ा बेच के सो रहा है यहाँ पे भाई, मतलब कुछ होश ही नहीं है इसको, ये देखो पैर वैर उठाया है। मैक्स है ना जिंदा कि नहीं रे, है इस दुनिया में कि नहीं? और भाई आजकल हम थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो गए, वहाँ पे रील वील बना रहे हैं भाई, तो जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जो जाके फॉलो कर लेना भाई, 8000 और फॉलोअर चाहिए 1,00,000 फॉलोअर कंप्लीट होने में इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारा भाई रील वील बना रहे फनी फनी, तो जरूर जाके देखना भाई, थोड़ा सा यूट्यूब से हटके वहाँ पे कॉन्टेंट आता है,
फॉलो कर ले भाई एनबी व्लॉग 07 है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये तौफीक सेठ का घर है भाई, बड़ा हाई सिक्योरिटी है भाई। अस्सलाम वालेकुम सेठ, क्या हाल है? सुनाओ सर, हार गए? हार गया हूँ। पार्टी कब दोगे? कल इंशाल्लाह देंगे। कल? आज चाहिए पार्टी, आज आज ही। भाई देख, शर्त हारा है, मुझे आज ही पार्टी चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ ठीक है, ठीक है ना भाई? अब देखो शर्त हारे, अभी मैं हारा होता तो मेरे से आज पार्टी लेते। अच्छा हाँ, तो और क्या। अरे तुम आरसीबी को क्या समझे हो, लल्लू पलजू टीम समझे हो? इतने सुपरस्टार पर ये बोलते हैं ना कि कौन है आरसीबी में, कौन नहीं है आरसीबी में, ये बताओ कौन नहीं खेला है आरसीबी से? वही कार्तिक नहीं मारा होता तो हलक तो सूख गया। अरे तो ऐसे तो सबका होता, कल दुबे नहीं मारा होता तो चेन्नई नहीं हार गई होती। अरे तो चेन्नई देख रहे थे, पहाड़ इतना रन बना। अरे तो क्या हुआ, तो दुबे मारा तब तो बना। ऐसे ही भाई हर टीम में कोई ना कोई मारता तभी तो रन बनता है। तो भाई तौफीक हार गए हैं शर्त, मजा आएगा भाई आज पार्टी लेंगे। अब देखो कहाँ लेके जाएंगे खिलाने मिलाने के लिए, शाम में डिसाइड होगा इफ्तारी के बाद में। यस तौफीक सेठ, ये बताओ बड़ा सिक्योरिटी रखे हो, वहाँ है गेट, फिर यहाँ है गेट, यहाँ है गेट, क्या बात है? कुछ रखे हो क्या घर में? कुछ रखा नहीं, अभी सुना नहीं क्या, कल नहीं परसों का नहीं हुई। क्या हुआ? मेरे घर पे पुलिस वाले आए थे रात के 2 बजे। भाग करते हो क्यों रे? रात में टाइल ना खटखट कर रहा था तो गार्ड लोग जा रहे थे। हाँ? उसके बाद लाइट भी बंद कर दिया अंदर रूम का। क्या खटखट कर रहा था? अरे वो दरवाजे का कड़ी बंद नहीं हो रहा। अच्छा तो साहिल का नाम है, उसको हथौड़ी से खटखट कर रहा था। हाँ? तो गार्ड जा रहे थे जो पहरा देते हैं। हाँ? 12 बज रहा था तो गार्ड सोचे कि क्या नाम है इनके घर में कोई चोर और घुस। हाँ, हाँ, दीवार वाल तोड़ रहा। हाँ? है कुछ कर रहा है तो लाइट भी बंद हो गया उसी सडनली बीच में बंद। हाँ? कर दिया ये तो वो लोग लाइट जला रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, नहीं कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो लोग यस्सो को बुला लिए जो रात में गाड़ी चलती है। यस्सो तक आ गए। रात को 1 बजे मेरे को फोन आया वहां से, मतलब रूम भाड़े पे दिया। हाँ, हाँ, फोन आया कि तुम्हारे घर के नीचे पुलिस खड़ी है। हाँ, तब गया, तब देखा तो ऊपर गया, बोलता है कि जाके देखो तुम्हारे घर में कोई चोर। तो ऊपर भी गया था पुलिस? नहीं नहीं ऊपर मैं गया। अच्छा, ऊपर मैं गया, नीचे आया तब, तब उनको इत्तला किया तो वो लोग तब गए रात को 1:30। अरे बाप रे बाप, और तुम लोग तो हड़क गए होगे, क्या करने पुलिस आई है भाई? मैं ये सोचा कि कहना कहीं वो लाइट वाला चक्कर से कहीं है, किसी के घर पे भाई 2 बजे रात को अगर पुलिस आ जाए तो कोई भी डर जाएगा भाई। और पुलिस, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी भाई, और रात को अगर आ जाए तो और डर लग जाता है। एक्चुअली भाई तौफीक सेठ का घर एकदम रोड पे ही है ना भाई, तो इसीलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी भाई चाहिए ही चाहिए घर में भाई। तौफीक सेठ, मैं तो बोलता हूँ सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लो भाई। हाँ सही रहेगा, सेफ्टी रहता भाई साहब। अभी जस्ट मैं और तौफीक ने मिलके भाई अभी जस्ट 2-3 रील शूट किए हैं, फनी फनी मजा आ रहा है कि नहीं भाई? ये सारा रील जो हमारे इंस्टाग्राम पे आएगा तब लोग को देखने को मिलेगा, वहाँ पे तो जरूर जाके फॉलो कर लेना भाई। मजा आता कि नहीं रील देखने में? भाई थोड़ी बहुत एक्टिंग तौफीक सेठ भी करने लगे हैं रील में, मजा आ रहा है एक्टिंग करके कि नहीं? देख रहा हूँ। हाँ चलो सही, ट्रेंड हो जाऊंगा तब अच्छे से करूंगा। और ये बताओ तौफीक सेठ कि इफ्तारी के बाद कहाँ पार्टी दे रहे हो? चल बेटा तेरे को आज लेके चलता हूँ अच्छी जगह। कहाँ? गोरखपुर चलते हैं। गोरखपुर? क्या सोचता, पैसा नहीं है क्या मेरे पास? बहुत पैसा है। बहुत वाओ, लगता कमा के आया तगड़ा पैसा। अरे तो बोला तो था। हाँ? कमा के आना, पैसा खर्च करना है यहाँ पे। वाह सही है। क्या रहे भाई, कितने बजे आऊँ? 7 बजे। चलो भाई इफ्तारी का टाइम हो रहा है, जा रहे तौफीक सेठ अपने घर और हम भी चलते अपने घर फटाफट। भाई साहब आ गए हम घर पे और इफ्तारी का वक्त हो चला है भाई, चलो भाई फटाफट इफ्तारी करते हैं। मजा।
अल्लाह भी समीर, आज कैसा रोजा है? सलावा यानी कि सुबह 14 रोजा और यस। भाई हमारे गांव में दो अजान होता है, तो जो दूर वाला अजान होता है ना उस पे हम लोग रोजा खोलते हैं। क्यों समीर? क्योंकि पास वाला जल्दी कर देते हैं तो खाने के चक्कर में गांव वाले। भाई साहब हमने इफ्तारी कर लिया और नमाज भी पढ़ लिया, फटाफट चलते भाई तौफीक सेठ के पास, क्योंकि तौफीक सेठ देने वाले हैं पार्टी। चलते भाई देखते कहां लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेठ। वालेकुम अस्सलाम। कहां लेके चल रहे हो भाई? गोरखपुर चल रहे हैं भैया। और कहां चल रहे हैं? लंबा हो जाएगा लखनऊ। ज्यादा खर्चा हो जाएगा। चलो भाई हम लोग चल रहे हैं गोरखपुर। हम लोग आ गए हैं ओरियन मॉल में, और यहाँ सबसे पहले हम लोग खाने जा रहे हैं भाई आइसक्रीम। ये वाला आइसक्रीम यहीं मिलता है भाई। सॉफ्टी आ गया भाई हमारा। ये वाला भाई आइसक्रीम यहीं मिलता है ओरियन मॉल में। भाई यहाँ पे आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल भी देख रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं सॉफ्टी। कैसा है तौफीक? इसके बाद नौका विहार चलेंगे भाई, वहाँ पे खाएंगे। चलो हाँ चलो भाई। चार क्या क्या खिलाओगे? आज तो मुर्गा फंसा है भाई अच्छे से। तो भाई साहब अभी जस्ट हम लोग मैक्स में आए थे आइसक्रीम खाने के बाद में, तो यहाँ पे मुझे देखो एक टी शर्ट और दो शॉर्ट पसंद आया तो हमने उठा लिया भाई। चलो अच्छा है। ये भी बिल में बनवा दूँ? बना दे। कटवा दूँ ये भी? कटवा दे भाई। आज अच्छे से कटेगा तुम्हारा। हेलो फिलहाल भाई साहब ये देखो हम लोग आ गए हैं नौका विहार में। भाई साहब इतनी मतलब तगड़ी वाली डेकोरेशन हो चुकी है ना, ये देखो रोड पे भाई लाइट शाइट लग गया है, एकदम ऐसा लगता है भाई मुंबई का मरीन ड्राइव, मतलब एकदम ऐसा नहीं लगता बट फील देता है भाई। गोरखपुर के हिसाब से तो अच्छा है, मतलब छोटा मरीन ड्राइव। और साइड में भाई खाने पीने का स्टॉल भी लग गया है, तो कुछ भी भाई मोमोज और चाय शाय मतलब फास्ट फूड वगैरह खा सकते हो। और यहाँ पे देखो भाई ऐसे स्पॉट भी बना है, वहाँ रुक के फोटोज वगैरह खींच सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। देखो भाई ऐसे मस्त मस्त जगह बन चुका है भाई। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये देखो क्रूज भी चल रहा है भाई पानी में। ये देखो क्या बात है यार। भाई साहब ये देखो यार कितना बढ़िया बढ़िया आउटलेट खुल गया है भाई। खुल गया है यार। कुछ टाइम बाद आ रहा हूँ ना, एकदम मतलब नौका विहार का एकदम मतलब सीन ही चेंज हो गया भाई। मतलब तगड़े तगड़े आउटलेट खुल गए, नैनीताल मोमोज और पिज्जा और पता नहीं क्या क्या मतलब आउटलेट सब खुल गया मस्त मस्त। मतलब आओ आराम से बैठ के कुछ भी खा पी के जा सकते हो घूम के, तो मजा आया भाई। तौफीक ने पार्टी मस्त वाला दिया, इसी बहाने हम लोग मतलब गोरखपुर भी घूम लिए, शॉपिंग भी हो गया और खा पी भी लिए भाई। भाई साहब हम पहुंच गए हैं अपने मानिकचंद पे, एक घंटे में गोरखपुर से अपने मानिकचंद आ गए ना। रात को एक्चुअली रोड खाली रहता है ना भाई, इसीलिए आ गए। मजा आया तो फिर घूमने में? भट्टा बैठा कि नहीं? अब शर्त मत लगाना कभी। संभाल के आज भी ना पुलिस आ जाए। और फटाफट भाई साहब हम आ गए हैं घर पे और रात के भाई 11 बज चुके हैं। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।